नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा पारिक एक बार फिर से आपका हिंदी कालांश में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों आपको याद है कि हमारा जो पाठ है भिक्षा पात्र, उसकी पठन क्रिया हो चुकी है और उसका सार भी मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको संक्षिप्त में इसका सार बताऊंगी और साथ में एनिमेशन वीडियो भी दिखाऊंगी। तो बच्चों आपको मालूम है नगर में अकाल पड़ा था और भगवान बुद्ध थे, वो अपने प्रिय शिष्यों से जो है जनता की सहायता के हेतु बोल रहे थे, लेकिन जो शिष्य थे वो अपनी लाचारी बताते हुए और उन्हें निराश करते हैं। लेकिन तभी उनका जो प्रिय शिष्य था अनाथ पिंडर, उनकी पुत्री कौन होती है सुप्रिया, वो मदद के लिए आगे आती है, लेकिन वो खुद एक भिक्षुणी होती है। और इस बात का जो महात्मा बुद्ध थे उनके शिष्य उसका मजाक उड़ाते हैं और वो उसे क्या बोलते हैं कि तू तो एक खुद भिक्षुणी है, मांग कर खाती है, तो तू क्या दूसरों की मदद करेगी। लेकिन वो क्या बोलती है कि आपके कारण ही जो मेरा भिक्षा पात्र है वो भरा रहेगा। तो कैसे भरा रहेगा, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा करके सब सहायता करेंगे तो जो नगर के लोग हैं उनकी सहायता हो जाएगी और भिक्षा पात्र भी हमेशा भरा रहेगा। तो अंत में होता क्या है, सब जन की भूख शांत होती है, बारिश भी हो जाती है और अकाल से भी छुटकारा मिलता है और भिक्षा पात्र हमेशा भरा रहता है। तो ये था बच्चों पाठ का सार। अब हम देखेंगे इससे संबंधित एनिमेशन वीडियो। नगर में अकाल पड़ा, प्रजा हाहाकार कर उठी। अपने भक्तजनों को इकट्ठा करके बुद्ध भगवान ने पूछा, बोलो प्रियजनों, भूखी जनता को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। गुरुदेव का वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा नीचे झुक गया। हाथ जोड़कर वह कहने लगा, ऐसी बड़ी नगरी को अनाज पहुंचाने की ताकत मुझ में नहीं है भगवान। इसके बाद महात्मा बुद्ध की उदास नजरें सेनापति जयसेन के मुंह पर पड़ी। जयसेन ने कहा, छाती चीर कर दिल का खून देने से यदि जनता की जान बच सकती हो तो मैं पल भर में उसे देने को तैयार हूँ भगवान, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ है। तभी धर्मपाल बोल उठा, मैं तो अभागा हूँ भगवान, अकाल ने मेरे सब खेत सुखा दिए। मुझे तो चिंता है कि मैं इस राज्य का कर किस तरह चुका पाऊंगा। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अचानक भीड़ में से एक युवती सामने आई। लज्जा से उसने सिर झुका लिया। यह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। दुख के कारण उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। बुद्धदेव के चरण छूकर वह मीठी आवाज में बोल उठी, भगवान, आज जब सभी लोगों ने अपनी लाचारी बताकर आपको निराश कर दिया है, तब मैं मामूली और तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा को सिर पर चढ़ाती हूँ। अनाज की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी ही संतान के समान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का जिम्मा मैं अपने माथे पर लेती हूँ। सुनने वाले सभी लोग अचरज से देखते रह गए। भगवान बुद्ध के कुछ माने हुए शिष्य तो मजाक भी करने लगे, कुछ गुस्सा हो गए, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। कठोर आवाज में प्रायः सभी उससे पूछने लगे, ए भिखारी की लड़की, तो खुद भिखारन है, तुझमें इतना अधिक अभिमान कहां से आ गया कि इतना बड़ा काम अपने सिर ले रही है। तेरे घर में ऐसे भी क्या भंडार भरे पड़े हैं। सबके सामने सिर झुकाकर सुप्रिया बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भीख मांगने का यह कटोरा है। मैं तो एक तुच्छ नारी हूँ, परंतु हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही गुरुदेव की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में पड़ा है। आप सबकी दया होगी तो मेरा यह मामूली भिक्षा पात्र भी सदा भरा रहेगा। मैं आपके द्वार द्वार भटकूंगी
और आप जो कुछ देंगे उसे भूखों को खिलाऊंगी। जब तक आप जैसे लोग धरती पर हैं, तब तक क्या चिंता। गुरुदेव ने आशीर्वाद प्रदान किया। सभी लोगों ने अपने भंडार इस भिक्षुणी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। पात्र हमेशा भरा रहा। समस्त नगरी का अकाल से उद्धार हो गया। कोई अकाल ग्रस्त न रहा और वर्षा ने भी अपनी कृपा दृष्टि रखी। धरती की भीषण प्यास बुझ गई और खेत फिर से लहलहा उठे। अन्न के भंडार फिर से भर गए। तो बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम जो हमारी कार्य पत्रक संख्या है उसके ऊपर हम मौखिक रूप से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले है हमारी कार्य पत्रक संख्या 7.1। अब प्रश्न सबसे पहले क्या दिया गया है? भिक्षा पात्र कहानी में किस महापुरुष का उल्लेख किया गया है? तो आप जानते ही हो कि किसका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम भिक्षा पात्र कहानी में भगवान बुद्ध का उल्लेख किया गया है। दूसरा प्रश्न क्या है? धर्मपाल को किस बात की चिंता थी? तो धर्मपाल को चिंता थी कि वह इस वर्ष राज्य का कर किस प्रकार चुकाएगा। तीसरा प्रश्न है, सुप्रिया कौन थी, उसने लोगों से क्या कहा? तो ये प्रश्न का उत्तर भी आपको पाठ्य पुस्तक में से मिल जाएगा। लिखना क्या है हमें? सुप्रिया भगवान के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडित की बेटी थी। उसने नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का जिम्मा अपने माथे पर लेने को कहा। अब प्रश्न आगे क्या है? कहानी में गौतम बुद्ध के किन किन शिष्यों का वर्णन है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे रत्नाकर सेठ, जय सेनापति जयसेन, उसके बाद में है धर्मपाल, उसके बाद में है प्रिय शिष्य अनाथ पिंडद और सुप्रिया भी उनके भक्तों में आती है। इनका नाम हमें लिखना है। इसके बाद में है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो हम लिखेंगे, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, आगे हमारी कार्य पत्रक संख्या 7.2 दी गई है। अब इसमें एक गद्यांश दिया गया है पाठ से ही संबंधित। तो सबसे पहले लिखा क्या है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और उसी में से जो प्रश्न है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न दिया गया है, प्रजा हाहाकार क्यों कर उठी? क्यों कर उठी थी? क्योंकि नगर में अकाल पड़ा था, इसलिए प्रजा हाहाकार कर उठी। अब दूसरा प्रश्न क्या है, भगवान बुद्ध ने किसे इकट्ठा किया और क्यों? भगवान बुद्ध ने अपने भक्त जनों को इकट्ठा किया क्योंकि वे भूखी जनता को अन्न दिलवाना चाहते थे, उनकी सहायता करवाना चाहते थे। अब तीसरा प्रश्न क्या है, प्रियजनों शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे महात्मा बुद्ध के शिष्यों के लिए। तो बच्चों, आगे है कार्य पत्रक संख्या 7.3। अब प्रश्न क्या किया गया है, रत्नाकर सेठ का माथा क्यों झुक गया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, गुरुदेव ने जब पूछा कि भूखी जनता को अन्न देने के लिए कौन कौन तैयार है, गुरुदेव का यह वचन सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा झुक गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है, सुप्रिया ने किस आधार पर पूरी जनता को खाना खिलाने का संकल्प किया? तो किस आधार पर किया था संकल्प? सुप्रिया ने कहा, वह सभी के द्वार जाएगी और जो सब उसे देंगे वह भूखों को खिलाएगी, ये उसने संकल्प किया था। अब है, सुप्रिया की बात सुनकर लोग क्या कहने लगे? सुप्रिया की बात सुनकर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, जो खुद भिक्षुणी है वह दूसरों को क्या खिलाएगी। अब दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों,
ऐसी बड़ी नगरी को अनाज पहुंचाने की ताकत मुझ में नहीं है। यह वाक्य किसने कहा, कारण बताते हुए स्पष्ट करो। जैसा कि ये जो किसने किससे कहा, ये मैंने आपको पाठ्य पुस्तक में भी करवाया था, ये आपका गृह कार्य होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं से करना है। जो आज की कालांश में इतना ही, आगे की कालांश में जो हमारी आगे की कार्य पत्रक संख्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।